भाग्योदय के लिए, संकट मोचन के लिए, अपने कल्याण के लिए, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए, हर रूप में लोग जो आराधना करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। ये महीना शिव का महीना है, श्रावण मास है, इसलिए तो कांवड़ यात्रा के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। केदारनाथ तक लोग भावना से पूजा करने पहुंचते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, कैलाश पति के पास इतनी ऊंचाई पर कष्ट सहते हुए लोग चले जाते हैं। भारत में शिव के प्रति अगाध श्रद्धा है, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए शिव आराधना का कार्यक्रम आप सबके लिए रखा गया है। और इसमें विशेष भावना रखी गई है कि हमारे देश के जो सैनिक जो सीमा पर खड़े हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे वे लोग, वो जो डॉक्टर हैं, आज वो भी कोरोना से लड़ने के लिए योद्धा बनकर खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे मजदूर श्रमिक लोग जिन्होंने इतने सारे कष्ट सहे, हमारे वे लोग भी जो इस देश को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, हमारे देश की जो शान है, उन सब की प्रार्थना करने के लिए, सबकी मंगल कामना करने के लिए हम सब सामूहिक रूप से प्रार्थना करें, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है, जीवन की हर सफलता के लिए शिव आराधना कीजिए, अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए शिव आराधना कीजिए। इसलिए भगवान शिव नीलकंठ भी हैं, वो वैद्यनाथ भी हैं, इसलिए रोग शोक कष्ट क्लेश मिटे, वैद्यनाथ की शरण में जाएं। घर में कलह क्लेश है तो चंद्रमा माथे पर धारण करने वाले चंद्रशेखर मन में शांति देते हैं, वो महामृत्युंजय हैं। जहाँ जीवन रूठ रहा हो उस जीवन को सुरक्षा देने का कार्य भी शिव करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 राशियों के अनुरूप, हरेक की राशि के अनुरूप एक न एक ज्योतिर्लिंग है। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर ये अवसर रखा गया है शिव आराधना का। आइए हम सब मिलकर सामूहिक रूप से शिव आराधना में शामिल हों।